नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की योजनाओं को लेकर, भर्ती प्रक्रियाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर कि हरियाणा सरकार ने जो अभी हाल फिलहाल हरियाणा की BJP सरकार है, उसने अपने पिछले 4 साढ़े 4 साल के कार्यकाल में या लगभग कहिए 4.5 साल के कार्यकाल में क्या क्या हरियाणा के अंदर सुधार किए, किन किन भर्तियों में क्या क्या बदलाव किए, और उसके अलावा BPL परिवारों को मिल रही किफ़ायती दामों पर खाद्य सामग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा, कर्मचारी हित के लिए जो हरियाणा सरकार या मनोहर सरकार प्रतिबद्ध है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। कल जो मीटिंग हुई थी वहां पर क्या क्या निर्णय लिए गए। तो ये वीडियो मेन तो हमारी हरियाणा सरकार की जो नीयत और नीति है उसके ऊपर रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप हरियाणा से जुड़ी लेटेस्ट और सारी ताज़ा तरीन खबरें पाना चाहते हैं, जॉब और जॉब से जुड़ी रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भर्ती प्रक्रियाओं निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर। देखिए, हरियाणा सरकार में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए साक्षात्कार को हरियाणा सरकार ने ख़त्म किया। सबसे पहले मनोहर सरकार आने के बाद मनोहर सरकार ने जो काम किया वो यही किया। देखिए, पहले क्या होता था, हरियाणा के अंदर कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होता था। आप फॉर्म अप्लाई करते थे मेरिट बेस पर, या आपके 10वीं या 12वीं में जो नंबर होते थे उसके बेस पर आपका इंटरव्यू आता था और आपका सिलेक्शन कर लिया जाता था। सबसे पहले तो मनोहर सरकार ने आने के बाद रिटर्न एग्ज़ाम किया, उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम किया था और हमारा 24 से 25 नंबर का आपका उसमें इंटरव्यू होता था। फिर हरियाणा सरकार ने क्या किया, सी और डी में इंटरव्यू को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ग्रुप सी और डी के पदों के लिए 90 अंकों की लिखित परीक्षा की, 10 नंबर अनुभव और सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो है मनोहर सरकार ने निर्धारित किए। आवेदक के परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है, कोई विधवा और कोई विमुख जाति से संबंध रखता है तो उसे 5 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा सरकार की BPL बिलो पावर्टी लाइन वाले परिवारों के लिए जो एक योजनाएं लागू की उनके बारे में, किफ़ायती दामों पर खाद सामग्री इनको दी जाती है। हरियाणा प्रति माह 1 किलो चीनी और 2 लीटर सरसों का तेल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया। देखिए, हर महीने में 1 किलो चीनी और 2 लीटर सरसों का तेल जो BPL परिवारों को हरियाणा हर महीने उपलब्ध कराता है। 11.31 लाख BPL और AAY परिवारों को मिल रहा है इसका लाभ। 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलो चीनी हरियाणा सरकार दे रही है और 20 रुपये प्रति लीटर की दर से 1 लीटर सरसों का तेल हरियाणा सरकार दे रही है। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कर्मचारी हितों के लिए प्रतिबद्ध मनोहर सरकार, कल जो मीटिंग हुई थी उसमें हरियाणा सरकार ने फैसले लेंगी भी हरियाणा के कर्मचारियों को 1 अगस्त 2019 से मिलेगा मकान किराया भत्ता। 3.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा HRA का लाभ। हरियाणा सरकार ने लागू की एक्स ग्रेसिया पॉलिसी, 52 वर्ष की आयु तक कर्मचारी के निधन पर दी जाएगी आश्रितों को नौकरी। मेडिकल कैशलेस पॉलिसी में इंडोर 7 बीमारी शामिल पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी 1 के तहत लगी महिला कर्मचारियों को मिलेगा 6 माह का प्रसूति लाभ, सरकार देगी 6 माह का वेतन। रिस्क कवर कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का बीमा देगी सरकार। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कार्य हरियाणा सरकार ने किए हैं, मेनली अगर हम बात करें भर्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर, तो बहुत ही अच्छा काम मनोहर सरकार ने किया। आपकी इस बारे में क्या राय है और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप क्या समझते हैं कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आगे भी शेयर करें। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।